नमामि देवी सरस्वती, नमामि भारत भूमितम, नमामि तस्य सस्य श्यामलता, नमामि विद गुरुजन युगम। हेलो एंड वेलकम द गैलेक्सी ऑफ एक्सीलेंसीज, द ग्लोरी ऑफ अवर कॉलेज, मिस्टर डायरेक्टर सर, द प्रिंसिपल सर, माय डियर टीचर्स एंड कलीग्स, अदर स्टाफ मेंबर्स एंड माय लविंग चिल्ड्रेंस, विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग and happy 75th Independence Day. Dear students, as we know that we are gathered here to celebrate 75th Independence Day, that is known Azadi Ka Amrit Mahotsav. Dear students, this day we remember all those freedom fighters who played an important role to give the freedom of our country. Some of them are Subhash Chandra Bose, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मेनी मोर। वी शैल बी ऑलवेज थैंकफुल टू देम एंड ऑलवेज मस्ट फॉलो देम। डियर स्टूडेंट्स, वी आल्सो रिमेंबर द सक्सेस एंड फेलर ऑफ अवर प्रेजेंट अचीवमेंट्स, वी लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। वन ऑफ द क्वेश्चन, how to build a great nation and civilization, S. Radhakrishnan has said, give us good women, we will have a great civilization, and give us good mother, we will have a great nation. I will repeat this sentence, give us good women, we will have a great civilization, and give us good mother, we will have a great nation. Pyare bachcho, सब पढ़ें सब बढ़ें, यह हमारी संस्कृति का प्राचीन मंत्र रहा है। वेदों पुराणों में भी मिलता है स्त्री शिक्षा के विषय में, पुराकल्पेषु नारीणां मंदिरा वंदना निश्चिताः अध्यापनांचा वेदानां गायत्री वचनां तथा। प्यारे बच्चों, हमारे देश ने वह संस्कृति भी देखी है जब हमारा देश सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, जहाँ दुनिया के विद्यार्थी हमारे देश में पढ़ने आते थे। नालंदा और तक्षशिला इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हमारी थी। अजंता एलोरा की गुफाएं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भारत की इस पवित्र धरती पर भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुष और मनीषियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया है। लेकिन हमने वह समय भी देखा है जब हमारे पूर्वज गलत नीतियों के कारण पाश्चात्य परंपराओं से प्रभावित होकर खुद के बाह्य प्रदर्शन के लिए अपनी संस्कृति खोकर दाने दाने के लिए मोहताज थे। दिनकर जी की वह पंक्ति सच ही साबित होती है जिसमें कहा गया था कि स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, लपक चाड़ते जूठे पत्ते, जिस दिन मैंने देखा नरको, उस दिन मेरे मन में आया कि आग लगा दूँ दुनिया को, कि आग लगा दूँ दुनिया को। प्यारे बच्चों, वर्तमान परिदृश्य में आज हमारा देश ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज एक बार फिर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भारतवर्ष खड़ा हो रहा है। आज युवा जोश और होश एक साथ कहता है कि पूरब हो कि पश्चिम हो कि उत्तर हो कि दक्षिण, आज आई वतन पर तो हिफाजत भी करेंगे। तूफान से जिन्हें लड़ने का आता है सलीखा, दुनिया पे वही लोग हुकूमत भी करेंगे। और ये भी कहते हैं कि है बुलंद हौसला गगन चूमना है, चांद के पार तो सब गए अब सितारों के पार जाना है, वतन की मिट्टी लहू बनकर सीने में है, अब तूफान से भी कह दो कि औकात में रहना। प्यारे बच्चों, शिक्षा का स्तर बढ़ने से आज युवा धर्मांधता से दूर अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर लौट रहा है। आज लोगों की जुबान पर है कि बातों से कुछ भी नहीं होगा जब तक ना कदम बढ़ाएंगे, संकीर्ण विचारों से निकलें, हम खुद ही विकसित हो जाएंगे, हम चलने में मजबूर नहीं, देखो अब वह दिन दूर नहीं जब मुस्लिम होली खेलेंगे और हिंदू ईद मनाएंगे।
जब मुस्लिम होली खेलेंगे और हिंदू ईद मनाएंगे। प्यारे बच्चों, अंत में मैं यह कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि इस तिरंगे को साक्षी मानकर अपने पूर्वजों को याद करके हमें यहाँ शपथ लेना है कि हमारी नैतिक और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य भारत के हर उस कोने तक पहुँचना चाहिए जहाँ एक गरीब और किसान मजदूर का बच्चा अशिक्षा और बीमारी में दम तोड़ रहा है। और इसके लिए आप सक्षम हैं। दो पंक्ति है, ये पांव न डगमगाए न माथे पे बल पड़े, ऐसे चले कि जैसे मंजिल भी चल पड़े। ऐसे भी नौजवान हमारे वतन में हैं, धरती पे पांव मारे तो सोना निकल पड़े, धरती पे पांव मारे तो सोना निकल पड़े। सो फाइनली वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, वंदे मातरम।